हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। मैंने 250 ग्राम सोयाबीन ले लिए हैं, छोटे वाले लिए हैं। अब इनमें पानी डाल देंगे, 10 मिनट के लिए इनको भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। लाल मिर्ची, हल्दी, प्याज, लहसुन, गरम मसाले खड़े, धनिया, एक टमाटर, इन सबको सिल पर पीस लें। टमाटर को भी पीस देंगे। मैंने मसाला पीस लिया है, इसे भर लेंगे। अब हमारी बड़ी दिख गई है, उन्हें निचोड़ निचोड़ कर एक थाली में निकाल लें। सारी इसी तरह से निचोड़ निचोड़ कर निकाल लेंगे। सारी बड़ी निचोड़ ली है मैंने। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। अब उसको आप कढ़ाई को हिला दें, इससे पूरी चिकनी हो जाए। उसमें बड़ियों को डाल दें, इन्हें 5 मिनट फ्राई करें। अच्छे से चलाते जाएं। अब इन्हें निकाल लें। अब कढ़ाई में ऑयल डाल दें, गर्म होने के बाद राई डाल दें। राई को चटकने के बाद हमारा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। मसाले को चलाते हुए तेल छोड़ने तक भून लें। मसाले को अच्छे से भून लें, वरना सब्जी में तरी नहीं आएगी। अब नमक डाल दें। मसाले से तेल अलग होने लगा है, थोड़ी देर और भून लें। अब इसमें सोयाबीन की बड़ियों को डाल दें, इन्हें भी 5 मिनट के लिए भून लें। अच्छे से मसाले में मिक्स कर दें। अब इसमें पानी डाल दें उबाल आने के बाद मीडियम आंच पर पका लें। उबाल आ गया है, अब 5-10 मिनट और पका लें। दस मिनट हो गए हैं, अब गैस को ऑफ कर दें। बड़ी की सब्जी बनकर तैयार है, अब इसे सर्व करें। इसे प्लेट में सर्व कर देंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।